What's up guys, Sanjot Keer here, welcome to IFL. Let's make some delicious Mexican rice. तो मैक्सिकन राइस मैंने पहले कभी चैनल पे बनाया नहीं था, और जब भी मैंने ये शूट करके अपने स्टोरीज पे अपलोड किया था इंस्टाग्राम पे, तो DM सारे भर गए थे आपके मैसेजेस से. मुझे पता नहीं था कि आप सबको मैक्सिकन राइस इतना ज़्यादा पसंद है. तो फाइनली ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज. आज मैं मैक्सिकन राइस दो तरीकों से बना रहा हूँ. सबसे पहला जो तरीका है वो वन पॉट रेसिपी है. एक ही बर्तन के अंदर बिना प्री कुक राइस के फ्रॉम द स्क्रैच फटाफट 10-15 मिनट में मैक्सिकन राइस बन जाता है. तो वो पहला तरीका है. और दूसरा तरीका जो होगा, लेफ्ट ओवर राइस के साथ मैक्सिकन राइस कैसे बना सकते हैं, या प्री कुक्ड राइस के साथ मैक्सिकन राइस कैसे बना सकते हैं, वो वाली रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. दोनों ही रेसिपीज बहुत ही अमेजिंग बनती है. और साथ ही में पहले हम मैक्सिकन राइस के लिए एक सालसा भी बनाएंगे. लेट्स डू दिस. तो हमारा वन पॉट मील वाला मैक्सिकन राइस रेडी हो गया. आपने देखा होगा कितना आसान है, एक ही बर्तन में सारा कुछ रेडी हो जाता है. आपको कोई राइस को पहले से बनाकर ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है. फ्रॉम स्क्रैच जब भी आपका मन करे, आपके घर पे बच्चों का मन करे मैक्सिकन राइस खाने, फ्रॉम स्क्रैच 15-20 मिनट के लिए खाली राइस को सोक किया और 15-20 मिनट में आपके मैक्सिकन राइस एक ही पैन के अंदर रेडी हो जाएंगे. बहुत ही डिलिशियस वाले, एकदम देसी फ्लेवर आता है जैसे हम इंडियंस को पसंद है, हम सबको पसंद है. अभी इसकी राइस को सर्व करते समय सालसा, चीज़ और नाचोस के साथ सर्व किया जाता है. तो वो जो सर्विंग स्टाइल है वो मैं आपको सेकेंड तरीका मेरा पहले बताने वाला हूँ कैसे बनाते हैं. जो लेफ्ट ओवर राइस या प्री कुक्ड राइस के साथ मैक्सिकन राइस कैसे बनाते हैं वो रेसिपी शेयर करने के बाद हम इसे सर्व करेंगे. वैसे तो लेफ्ट ओवर राइस के साथ मैक्सिकन राइस कैसे बनाते हैं वो रेसिपी देख लेते हैं. Thank you.
लेफ्ट ओवर राइस या प्री कुक्ड राइस के साथ मैक्सिकन राइस कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। काफ़ी सिमिलर है पहले तरीके से, लेकिन ये थोड़ा जल्दी बन जाता है उससे, क्योंकि राइस पहले से पके होते हैं। तो अगर आपके पास राइस कभी घर पर बच जाएँ या आपने राइस थोड़े ज़्यादा बना ली हों तो मैक्सिकन राइस ऐसे भी बन सकता है। और अगर आपको ड्रेन करना है चावल का पानी और सोक करके नहीं बनाने राइस, तो भी ये वाला वर्जन अच्छा है। तो आप दोनों वर्जन्स में से कोई भी एक वर्जन बना सकते हो, दोनों ही वर्जन्स बहुत अच्छे बनते हैं। और आपने देखा होगा कि कैसे हमने इसको प्लेट किया विद चीज़, सालसा, थोड़े नाचोस, आप थोड़ा सा गुआकामोले भी डाल सकते हो, थोड़ा सा इसके अंदर सार क्रीम भी डाल सकते हो, आपके ऊपर है कितने सारे टॉपिंग्स आपको इसके ऊपर डालने हैं। ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी अपने घर पर, मुझे बताओ आपको कैसे लगी। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ़ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस मैक्सिकन राइस रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।